इस वीडियो के बारे में कई लोगों ने मुझे पर्सनली मैसेज करके बोला है कि कार अल्टरनेटर के बारे में बताओ। कमेंट्स में भी बहुत लोगों ने बोला है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इस वीडियो में डिस्कस क्या करने वाले हैं। फर्स्ट थिंग, हमारी कार में अल्टरनेटर ही क्यों यूज में लिया जाता है, जनरेटर क्यों नहीं। सेकेंड थिंग, क्या हम एक कार के अल्टरनेटर को जनरेटर की तरह यूज में ले सकते हैं। यदि हम अल्टरनेटर को बाहर निकाल ले कार से, तो क्या हम उसको विंड मिल में काम में ले सकते हैं एक जनरेटर की तरह, क्योंकि कार का अल्टरनेटर अच्छी खासी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और बाकी आपके माइंड में अल्टरनेटर से रिलेटेड यदि कोई क्वेश्चन है, तो वह वीडियो के बीच में क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि वह अभी मेरे माइंड में नहीं आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि अल्टरनेटर होता क्या है। हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वह है एसी, यानी अल्टरनेटिंग करंट वाली आती है, जिसमें हमको 220 वोल्ट मिलते हैं। इसको अल्टरनेटिंग करंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यदि हम एसी सप्लाई के चलने के तरीके को देखें, तो यह ठीक फैशन शो में जैसे मॉडल चलती है वैसे चलती है। सीधा तो इसको चलना ही नहीं आता, तो यह इसकी वेव फॉर्म है, कभी ऊपर कभी नीचे इस तरीके से चलती है। और यह जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर यह जीरो हो जाती है, इसलिए यदि हमें इसका करंट लगता है तो हम वापस छूट जाते हैं इस जीरो वाले पॉइंट पर। तो यह अपने डायरेक्शन को बदल बदल कर चलती है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। और जो अल्टरनेटिंग करंट को जनरेट करता है उसको अल्टरनेटर बोलते हैं, जो हमारे कार में लगा रहता है। अब आपके दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन आ गया होगा कि भाई साहब, कार में तो डीसी बैटरी लगी रहती है 12 वोल्ट की, और कार में तो सब कुछ डीसी सप्लाई से चलता है, फिर कार में 220 वोल्ट का क्या मतलब। क्योंकि अल्टरनेटर तो 220 वोल्ट की सप्लाई जनरेट करता है हमारे घर में, जैसे इलेक्ट्रिसिटी आती है उस तरीके से। तो कार में जो अल्टरनेटर है वह जनरेट एसी सप्लाई करता है, लेकिन उसको डीसी में बदल दिया जाता है रेक्टिफायर की हेल्प से। और यह रेक्टिफायर यह जो अल्टरनेटिंग करंट ऐसे मॉडलिंग करते हुए चलता है, इसको पूरा सीधा कर देता है और एक लाइन में चलाता है, और 220 वोल्ट से कर देता है 12 से 14 वोल्ट। तो जब एक लाइन में यह करंट चलता है, तो यह तो डीसी यानी डायरेक्ट करंट बन गया, और इस 12 वोल्ट से हम गाड़ी की बैटरी, हेडलाइट और जितने भी फंक्शन है वह रन करवाते हैं। अब यार फिर से क्वेश्चन आ गया, यह ऐसा झंझट पाला ही क्यों, जब हमारे पास में डीसी जनरेटर ऑलरेडी पड़ा है जो 12 वोल्ट जनरेट करता है, तो फिर यह एसी को डीसी में बदलने वाला क्यों फालतू का काम बढ़ा दिया। इससे अच्छा तो डीसी जनरेटर को ही काम में ले लेते। अब यार असली धोखा तो इस डीसी जनरेटर ने ही दिया। जब इसको देखा तो पता चला कि यह भी एसी ही जनरेट करता है, पर इसके अंदर एक मैकेनिकल रेक्टिफायर लगा रहता है जो एसी को डीसी में बदल देता है, जिसको हम कम्यूटेटर बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या कोई जनरेटर ऐसा है ही नहीं जो डीसी बनाता है? तो इसका आंसर है हाँ, दुनिया में कोई भी ऐसा जनरेटर नहीं है जो डायरेक्टली डीसी सप्लाई जनरेट करता है, उसको किसी ना किसी तरीके से डीसी में बदला जाता है। इस चीज को और अच्छे से समझने के लिए यह वाला वीडियो आप देख सकते हो। और अच्छा, जनरेटर और अल्टरनेटर दोनों अलग अलग होते हैं, दोनों का काम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना ही है, पर इन दोनों में जो डिफरेंस है उसका आपको इसी वीडियो से पता चलेगा। और दूसरी प्रॉब्लम इस डीसी जनरेटर के साथ में यह है कि इस कम्यूटेटर पर लगे रहते हैं कार्बन के ब्रश, और यह कम्यूटेटर के टच रहते हैं, तो यह भी थोड़े दिनों में घिस जाते हैं। तो यदि हमने डीसी जनरेटर लगा दिया कार में, तो इसकी तो मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ जाएगी, हर थोड़े दिन में ब्रश बदलवाने पड़ेंगे हमें। तो इसलिए हम अल्टरनेटर यूज करते हैं, और अल्टरनेटर में एक इलेक्ट्रॉनिक रेक्टिफायर लगा रहता है जो एसी को डीसी में बदल देता है। अब मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आपको पता है कार का अल्टरनेटर कितनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है? अकेला कार का अल्टरनेटर इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है कि हमारे घर का पूरा लोड उठा सकता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, गीजर सब चला सकता है, पर सबको साथ में नहीं, एक एक। आज के टाइम में जैसे बीएमडब्ल्यू कार में जो अल्टरनेटर यूज होता है वह 2500 वाट तक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। इतना पावरफुल तो हमारे घर में कोई लोड भी नहीं है। तो क्या फिर हम कार के अल्टरनेटर को हम हमारे घर में एक जनरेटर की तरह काम में ले सकते हैं? तो इसका आंसर है यस और नो, दोनों ही, क्योंकि कार का अल्टरनेटर इतनी आसानी से काम नहीं करता है। यदि हम कार के अल्टरनेटर को कार से बाहर निकाल लेते हैं, और फिर मान लो उसको फुल स्पीड में रोटेट करवाते हैं जैसे कार में होता है वैसे, तो वह एक भी वाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, चाहे आप कितनी ही स्पीड में रोटेट करवा लो। क्योंकि कार में जो अल्टरनेटर यूज होता है उसमें जो उसका रोटर होता है उसमें फील्ड टेम्परेरी होता है। इसके रोटर पर नॉर्मल कंडीशन के अंदर कोई कंसेप्ट ही नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का। इसलिए कार के अल्टरनेटर को इलेक्ट्रिसिटी
जनरेट करने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो इसमें फील्ड देने के लिए पहले कार के अल्टरनेटर को 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, फिर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, फिर यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। अब यह टेम्परेरी फील्ड क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट का फील्ड क्या होता है, इसके लिए आप यह वाला वीडियो देख सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और कार में इस अल्टरनेटर को जो फील्ड की सप्लाई है वह कार की बैटरी से मिलती है। तो हमें कार के अल्टरनेटर से घर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाने के लिए सबसे पहले तो एक अलग से बैटरी चाहिए इसके फील्ड में सप्लाई देने के लिए। उसके बाद में यह जनरेट करेगा 12 वोल्ट की डीसी। तो हम इसमें जो रेक्टिफायर लगा है उसको हटा सकते हैं और इसकी 220 वोल्ट की सप्लाई को सीधा अपने घर में यूज में ले सकते हैं। लेकिन फिर एक समस्या है, यदि इस अल्टरनेटर को हम धीरे धीरे रोटेट करवाते हैं, जैसे मान लो विंड मिल में हमने इसको लगा दिया, तो यह ज्यादा कोई इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा, क्योंकि इसको 50 हर्ज की फ्रीक्वेंसी चाहिए प्रॉपर 220 वोल्ट बनाने के लिए। तो इसको कम से कम 2400 आरपीएम की स्पीड में तो हमें रोटेट करवाना ही पड़ेगा। मैक्सिमम आप इसको 18000 आरपीएम की स्पीड पर रोटेट करवा सकते हो। तो पहली बात तो इतनी स्पीड लाओगे कहां से, विंड मिल में तो मुश्किल से 15 से 20 आरपीएम की स्पीड मिलती है। तो इसको इतने आरपीएम पर रोटेट करवाने के लिए हमें कार का इंजन निकालना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास में ही है इतनी स्पीड। इसलिए हर एक एप्लीकेशन के लिए अलग अलग टाइप का जनरेटर होता है। कार में अल्टरनेटर होता है, जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है जहां से जनरेट होकर आती है वहां पर सिंक्रोनस जनरेटर यूज होता है। और यदि हमें घर के लिए जनरेटर बनाना है तो उसमें अलग जनरेटर यूज होता है, क्योंकि यह सभी अलग अलग स्पीड पर और अलग अलग तरीके से काम करते हैं। जो बड़े बड़े विंड मिल होते हैं वह 15 to 20 आरपीएम पर ही 600 to 700 वोल्ट जनरेट कर देते हैं। और विंड मिल को अच्छे से समझने के लिए यह वाला वीडियो आप देख सकते हो। तो मेरे हिसाब से कार का अल्टरनेटर सिर्फ कार के लिए ही सही है। अच्छा, उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है जो वीडियो को डिसलाइक करते हैं, कि आप डिसलाइक का रीजन मुझे कमेंट में बता सकते हो, ताकि मैं अपने आप में सुधार कर सकूं। तो आई थिंक आपके सारे यहां पे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और इसके अलावा यदि आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता ही है क्या करना है। और यदि आपको ऐसे ही और जानकारी चाहिए तो आप चैनल पर विजिट करो और ऐसे ही वीडियोस को एंजॉय करो। थैंक यू।